अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से मक्का का घटते मूल्य के विरोध में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया तथा किसानों की दयनीय हालत मजबूत करने के लिए मक्का का समर्थन मूल्य लागू करने की मांग भी की गई। प्रदर्शन में भाकपा माले के कार्यकर्ता भी शरीक हुए थे। इस दरमियान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मक्का के घटते मूल्य से किसान की स्थिति काफी नाजुक होती जा रही है, लेकिन सरकार किसानों के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। मक्का का समर्थन मूल्य कम से कम 2000 रुपया क्विंटल किया जाए और इसको सरकारी स्तर पर खरीद की गारंटी की जाए और मक्का आधारित उद्योग पूर्णिया में लगाया जाए और इन्हीं बातों को लेकर और भी विभिन्न मांगों को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना अखिल भारतीय किसान महासभा पूर्णिया इकाई की ओर से दे रहे हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ने बोला था कि जो लागत मूल्य का दौड़ा हम मकई का दाम फसल का दाम देंगे, लेकिन ये बातें सिर्फ हवा हवाई है। यहाँ तक कि जो पहले मकई का दाम यहाँ बिक रहा था 1400-1500 रुपया क्विंटल, आज मकई 1000 रुपया क्विंटल से भी कम हो चुका है। तो ये सरकार की जो दोगली नीति है, किसान विरोधी नीति है, जिसका उद्देश्य है कि किसानों को खेती से छुड़वा दें, कारपोरेट घराने को या जमीन बेचवा दें, ऐसे सरकार को हम लोग जगाने के लिए और उसको एक अल्टीमेटम देने के लिए कि आप मकई का समर्थन मूल्य 2000 रुपया क्विंटल करें और खरीद की गारंटी करें, वरना हम किसान मिल करके और भाकपा माले के संगठन मिल करके मैं चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे। इसके बाद नहीं करता अगर ये सरकार तो मैं रोड रेल भी जाम करूंगा। अंत में विवश होकर नहीं होगा तो पूर्णिया और सीमांचल को बंद का आह्वान करूंगा। CBSE